Hello students, how's the josh? I hope it's high and to keep it high, we are back again with another video जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि zoology में एनिमल किंगडम को कैसे पढ़ना है. And for this guidance, we have our expert teacher जो हमें बताएंगे correct approach to study animal kingdom. So sir, please help us out. Hi students, आज मैं आपको guide करूंगा कि कैसे एनिमल किंगडम को पढ़ें और उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन जो इस चैप्टर से नीट में पूछे गए हैं. सर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का कंसर्न ये है कि एनिमल किंगडम में क्या क्या पढ़ें, क्योंकि इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एवरी फाइलम, उनके इतने सारे एग्जाम्पल्स. यस मैम, सबसे पहले स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी पढ़नी है और उसमें सभी डायग्राम्स, उसके एग्जाम्पल्स और कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है. सेकेंड स्टेप, उनको प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और अगर कोई एग्जांपल्स या कॉन्सेप्ट आउट ऑफ एनसीईआरटी आता है तो उसको उन्हें नोट्स में ऐड करना है, क्योंकि एनिमल किंगडम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. तो आई थिंक स्टूडेंट्स विल फाइंड दिस अप्रोच टू बी क्वाइट हेल्पफुल. अब एक्चुअल कंटेंट की बात करते हैं. सो सर, आपके अकॉर्डिंग फ्रॉम वेयर शुड वी स्टार्ट? एक्चुअली मैम, सबसे पहले अगर हम एनिमल किंगडम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस बनता है वो बनता है जनरल करेक्टरिस्टिक्स और फाउंडेशन ऑफ एनिमल किंगडम पे, लाइक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी प्लान, सिमेट्री, जम लेयर्स, सिलोम. नीट एग्जाम में इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जैसे यहाँ पर हम तीन क्वेश्चंस AIPMT के डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं. पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स इज बाइलेटरल, सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर सबसे पहले जो इवॉल्व हुई थी वो प्लेटी हेलमेंथीज में हुई थी. तो प्लेटी हेलमेंथीज के बाद के जितने भी फाइलम्स के एनिमल्स हैं उन सभी में ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर प्रेजेंट होगी, और प्लेटी हेलमेंथीज से पहले जितने भी फाइलम के एनिमल्स हैं उनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर अब्सेंट होगी. सो अगर हम ऑप्शन पे प्रोसीड करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है एस्केलमेंथीज, जिसमें राउंड वर्म्स आते हैं, और एस्केलमेंथीज प्लेटी हेलमेंथीज के बाद आता है तो इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर होगी, और बाकी सभी ऑप्शन लाइक टीनोफोरा, स्पॉन्जेस, सिलेंटेट्स प्लेटी हेलमेंथीज से पहले आते हैं तो इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर नहीं होगी. तो देखने से हमें तुरंत आंसर पता लग गया कि आंसर होगा वन. लेकिन यहाँ पर हम सिमेट्री को भी डिस्कस करेंगे. अगर हम सिमेट्री की बात करते हैं तो सिमेट्री तीन तरीके की मिलती है. सबसे पहले फर्स्ट होती है एसिमेट्री, सेकंड रेडियल सिमेट्री, और थर्ड होती है बायलेटरल सिमेट्री. तो अगर हम सिमेट्री देखते हैं तो एस्केलमेंथीज में बायलेटरल सिमेट्री मिलेगी और बाकी जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन सभी में रेडियल सिमेट्री मिलेगी. तो क्लियर कट यहाँ पर पता लग रहा है कि आंसर शुड बी वन. अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल इज करेक्ट. तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ऑप्शन नंबर वन देखना है, राउंड वर्म्स एस्केलमेंथीज आर स्यूडोसिलोम. बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि राउंड वर्म्स में स्यूडोसिलोम मिलती है. सेकेंड ऑप्शन में अगर हम बात करते हैं तो मोलस्का आर एसिलोमेट. ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मोलस्का के पास ट्रू सिलोम मिलती है. थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, इंसेक्ट आर स्यूडोसिलोमेट. ये भी गलत है क्योंकि इंसेक्ट्स के पास भी ट्रू सिलोम होती है. अगर हम फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, फ्लैट वर्म्स आर सिलोमेट, ये ऑप्शन भी गलत है. और फाइलम को और आसान बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि फाइलम को कंपेयर करके पढ़ें. सर, नेक्स्ट व्हाट अबाउट द कॉमन नेम्स एज वेल एज साइंटिफिक नेम्स, क्या उनको भी याद करना जरूरी है? एनसीईआरटी में जो भी कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम दिए हैं उन सभी को याद करना बहुत बहुत जरूरी है. अब हम यहाँ पर नीट 2013 का एक क्वेश्चन है डिस्कस करते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड है. वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा. तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन फिश से रिलेटेड आए हैं. तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ट्रू फिश क्या होती है, फॉल्स फिश क्या होती है. तो ट्रू फिश वो फिश होती हैं जो सुपर क्लास स्पाइसीज में बिलोंग करती हैं. तो यहाँ पर दो ट्रू फिश हैं, पफर फिश और फ्लाइंग फिश. तो सेकेंड और थ्री ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आर्थ्रोपोडा के बारे में पूछा गया है. फोर्थ ऑप्शन अगर हम कटल फिश की बात करते हैं तो कटल फिश बिलोंग टू मोलस्क, तो इसलिए कटल फिश भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा. तो फर्स्ट है सिल्वर फिश लैपिज्मा, बिकॉज इट बिलोंग टू आर्थ्रोपोडा फाइलम. तो आंसर शुड बी वन. नाउ कमिंग ओवर टू कॉर्डेट सेक्शन, सर व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दिस पार्ट, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है?
मैम कोर डेटा हमेशा फेवरेट टॉपिक रहा है नीट के क्वेश्चंस मेकर का, और जिसमें वो मेनली फोकस करते हैं एक्सेप्शन पर। इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो AIPMT 2015 में पूछा गया है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपके सामने कुछ चार ऑप्शन है, उन चारों ऑप्शन में हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है ऑल मैमल्स आर विवीपैरस। ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया क्योंकि सभी मैमल्स विवीपैरस नहीं है, क्योंकि प्रोटोथीरियंस ओवीपैरस होते हैं। सेकेंड ऑप्शन ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोजेस जॉ एंड पेयर फिन। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, क्योंकि साइक्लोस्टोम एगिनेथा में आते हैं और उनके पास जॉ अब्सेंट होते हैं, उनपे अनपेयर्ड फिन्स मिलते हैं और यहाँ पर पेयर्ड फिन्स है। अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं और रेप्टाइल्स हैव ए थ्री चैम्बर हार्ट, तो ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल और एलिगेटर जिनके पास फोर चैम्बर हार्ट होते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑल पाइसीज हैव गिल्स कवर्ड बाय एन ऑपरकुलम, ये भी गलत है क्योंकि पाइसीज जो सुपर क्लास है वो दो क्लासेस में डिवाइड होती है, कॉन्ड्रिकाइथियस और ऑस्टियोकाइथियस, और कॉन्ड्रिकाइथियस के पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं विदाउट ऑपरकुलम एक्सेप्ट काइमेरा, और ऑस्टियोकाइथियस के पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं विद ऑपरकुलम। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर जो आंसर बनता है वो सेकंड आंसर इज करेक्ट। ऑल राइट सर, ये थोड़ा ट्रिकी था और यहाँ पे हमें कुछ एक्सेप्शंस का भी ध्यान रखना है। नाउ व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट कनेक्टिंग लिंक्स एंड लिविंग फॉसिल्स, क्योंकि कनेक्टिंग लिंक्स और लिविंग फॉसिल्स के भी कुछ नाम हमें यहाँ पे मिले हैं इन द एनिमल किंगडम। अब लास्ट में हम एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऐड करने के लिए, कि कनेक्टिंग लिंक और लिविंग फॉसिल्स को एनिमल किंगडम में ही पढ़ लें। इसका ये बेनिफिट रहेगा कि इवोल्यूशन चैप्टर में इसको फिर से पढ़ना नहीं पड़ेगा और ये टॉपिक भी इवोल्यूशन का कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स अ ग्रेट टिप सर। तो आई होप सारे के सारे स्टूडेंट्स ने बहुत ही अटेंटिवली सुना होगा ये वीडियो, जिससे कि आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो एंड यू कैन स्कोर बेटर। And remember, success is the result of hard work striking opportunity. So keep working and we will be right back with the next part. See ya!